जंडियाला गुरु में रात करीब 6:30 बजे जीटी रोड पर एक आदमी जितेंद्र कुमार शर्मा को जख्मी करके लूट लिया गया। जानकारी के मुताबिक जख्मी के भाई ने बताया कि उसका भाई एरा एंटरप्राइज में काम करता है और वह अमृतसर से जंडियाला गुरु किताबों की कलेक्शन के लिए प्रिंस बुक जनरल स्टोर में अपनी पेमेंट लेने के लिए गया था और वह यहां से अपनी एक्टिवा पर 26,000 रुपए की पेमेंट अमृतसर से ले जा रहा था कि रास्ते पर ही मोटरसाइकिल कुछ सवार व्यक्तियों ने तलवार दिखाकर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और घायल करने के बाद उसका मोबाइल पर्स और 26,000 रुपए नगद छीनकर ले गए। मौके पर पहुंचे SHO हरपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने जितेंद्र कुमार के बयान नोट कर लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। भैया जलंधर गुलशन बुक हाउस से आए थे जंडियाले रिगार्डिंग पेमेंट, उन्होंने मिलने लिए डिसीजन है, साडा किताबा दा कम चल रहा सी ते पेमेंट लेके कहंदे निकले आ सी ते उत्थे राह च एक्टिवा ते नाल पल्सर बाइक सीगी जिदे उहने इहदी चाबी ला ली, चाबी तों बाद कहंदा मैं डिग पिया, डिगण तों बाद इहनूं झाड़ियां च लै गए, उहनां ने तलवार मारी मूंह ते ते पर्स मोबाइल 26,000 रुपया कैश ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ TV।